हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। और आज हम लोग वन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ की के फेज में हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम लिखिए सारे लोग। वी हैव प्रॉब्लम फ्रॉम सेम, हमने एडियाबैटिक प्रोसेस कल पढ़ा था उसी पे प्रॉब्लम से यार। एडियाबैटिक सिलेंडर, एन एडियाबैटिक सिलेंडर इज फिटेड विथ एन एडियाबैटिक पिस्टन। आपके पास है एक एडियाबैटिक सिलेंडर है। So this adiabatic cylinder, this is fitted with a adiabatic piston. Okay, so ये आपका piston है. Sorry, fitted with an adiabatic piston at the right end of cylinder. It's divided into two equal halves. Divided into two equal halves. तो ये क्या है, आपने इसको दो equal half में divide किया है. आपके पास एक एडियाबैटिक सिलेंडर है और इसको आपने दो भाग में बांटा है, टू इक्वल हाफ्स विथ नॉन ओके सो विथ मोनो एटॉमिक गैस एट लेफ्ट एंड डाई एटॉमिक गैस एट राइट। सो आपके पास क्या है, मोनो एटॉमिक गैस इसमें भरा गया है और इसमें आपको डाई एटॉमिक गैस भरा गया है। सो मोनो एटॉमिक गैस एट लेफ्ट एंड डाई एटॉमिक गैस एट राइट साइड यूजिंग एन इम्परमिएबल मूवेबल एडियाबैटिक वॉल। सो दिस इज द एडियाबैटिक वॉल, मूवेबल वॉल, ये आगे पीछे जा सकता है, इम्परमिएबल यानी कि गैस जो है मिक्स नहीं होगी। ओके, सो यूजिंग एन इम्परमिएबल मूवेबल एडियाबैटिक वॉल, इफ द पिस्टन इज पुश्ड स्लोली टू कंप्रेस डायटोमिक गैस, इफ पिस्टन इज पुश्ड स्लोली, जैसे आप पिस्टन को पुश कर रहे हो यानी कि प्योर प्रेशर डाल रहे हो इनिशियली, स्लोली रिवर्सिबल प्रोसेस, इफ पिस्टन इज पुश्ड स्लोली टू कंप्रेस डायटोमिक गैस टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द न्यू वॉल्यूम ऑफ मोनोटॉमिक गैस विल बी। सो आप पुश कर रहे हो, तो पुश जब करोगे तो लेट्स टेक, पुश करने के बाद आपके पास ये सिलेंडर है और आपने पुश किया और यहां पे पहुंच गया आपका पिस्टन, यहां पे पहुंच गया, क्लियर। और यू नो यहाँ पे सेमी परमिएबल, दिस इज द मूवेबल वॉल, लेट्स टेक दिस इज वॉल्यूम वी, इनिशियल वॉल्यूम वी, डायटोमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम वी, सो क्या हो जाएगा, दिस इज 3/4 वी। क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा सा भीमकाय क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आपको क्या है, एकदम बेसिक तरीके से जाना है, ऑल द फोर्सेस, होल प्रोसेस इज एडियाबैटिक, होल प्रोसेस इज, दिस इज एडियाबैटिक, एवरीथिंग इज एडियाबैटिक, मींस क्यू इज जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यू वी नो एवरीथिंग। ओके, सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वी हैव, यहां पर टेम्परेचर की बात नहीं की है, पूछ रहा है कि आपका जो मोनो एटॉमिक गैस है इसका वी डैश यानी कि फाइनल वी क्या होगा, ये पूछ रहा ना, तो हम P और V का रिलेशन लगा सकते हैं क्या। एक और बात समझिए, जब यहां पे प्रेशर लग रहा है P2 लग रहा है, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, हर पॉइंट पे बढ़ता चला जाएगा ना। अब क्या पता है, आइडियल गैस की बातें करते हैं तो जब कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है, जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो मान लीजिए P1 था और जब आप 3/4 वॉल्यूम ऑफ डायटोमिक पहुंचे तो P2 हो गया प्रेशर, उसका प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ओके, ये बात है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ये प्रेशर यहां पे लगा तो ये डायटोमिक गैस पे प्रेशर लगा है तो ये इस वॉल पे प्रेशर लगाएगा और सेम प्रेशर मोनो एटॉमिक गैस पे लगेगा, यानी कि यहां पे जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, P2 होगा, यहां पे प्रेशर क्या होगा वो भी P2 होगा। सिमिलरली यहां पे प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर इस पे लगा रहा है तो गैसेस का प्रेशर यहां पे क्या होगा, P1 है, और सिमिलरली ये वॉल पे P1 लगा रहा है तो यहां पे भी P1 प्रेशर होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, P1 होगा। चलिए, सिंस ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस होने के कारण क्या लिख सकते हैं, P V to the gamma इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो बात करते हैं फॉर डायटोमिक गैस,
ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा बताइए, पी वन वी गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, पी टू वी क्या हो गया फाइनल, 3/4 ऑफ वी गामा। क्लियर, गामा डी लिख देता हूं, डायटॉमिक, गामा डी डायटॉमिक। ओके चलिए, सो क्या हो जाएगा आपका पी टू क्या हो जाएगा बताइए, पी टू अगर उन्हें पूछना हो तो क्या हो जाएगा, पी टू हो जाएगा, पी टू को यहां पर क्या आ जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा, सो पी वन वी डिवाइडेड बाय 3/4 वी गामा डी। सो क्या बोल सकते हो, पी टू इंटू 4/3 टू द पावर गामा डी। क्लियर, सो पी टू का रिलेशन आ गया, सॉरी दिस इज पी वन, पी वन पी टू। अब बात किसके लिए करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस सेम फॉर सिंस दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, पी वन वी वन टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू टू द पावर गामा। सो यहां भी प्रेशर पी वन लग रहा था, सो राइट पी वन। और क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में बोला था कि इसको इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है, तो अगर जब इसको इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है तो अगर ये वॉल्यूम v है तो ये भी वॉल्यूम v होगा, सो v1 क्या होगा, v टू द पावर गामा m मोनोएटॉमिक इज इक्वल टू p2, v2 क्या है यही हमें निकालना है, v टू द पावर गामा m। ओके ये तो हमें निकालना है, सो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, v2 है तो p2 आ जाएगा यहां पे, सो p1 बाय p2 इनटू v टू द पावर गामा m। p1 P2 क्या है, P2 है P1 into 4/3 to the power gamma d into V gamma m। So आपको क्या है, ये कैंसिल है, तो आप क्या लिख सकते हो, 3/4 करेक्ट है। ओके सो ये मैं गामा m भूल गया, गामा m। ओके सो ये क्या हो गया, 3/4 to the power gamma d into v to the power gamma m। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर हमको v निकालना है तो ये है gamma m है, तो यहाँ पे आके इधर की तरफ आके क्या हो जाएगा, 3/4 to the power क्या है gamma d है, क्या हो जाएगा 1/gamma m, and v gamma m है क्या हो जाएगा 1/gamma m, यानी यहाँ का आपका गामा एम आपने हटाया है तो यहाँ क्या 1/gamma m आ जाता है, तो ये क्या होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3/4 गामा डी बाय गामा एम, एंड ये गामा गामा कैंसिल, सो वी क्या हो जाएगा, अब बताओ गामा डी क्या होता है, आपको पता है गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, 1+2/f। ठीक है, सो मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, ये 5 होता है, सो क्या 2/5 तो 7/5। ठीक है, गामा एम क्या हो जाएगा, सेम दिस इज गामा डी, गामा एम क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस 3, सो क्या 2/3 प्लस 5/3 यहां पे डालते हैं, वी हो जाएगा आपका 3/4 ये गामा डी की वैल्यू क्या है, 7/5 Then, divide by क्या हो जाएगा बताइए, गामा एन की 5/3, सो ऊपर चला जाएगा तो ये क्या गामा इनटू 3, सो दिस इज वी एंड यू आर गेटिंग 3/4 टू द पावर 21/25 इनटू। तो देखिए क्या है प्रॉब्लम, हमने क्या किया है, क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ की नहीं, चीजों को हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, एक वॉल्यूम था, दूसरे यहाँ पे एक चीज ये समझना था आपको कि यहाँ जो प्रेशर होता है वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है, वो यहाँ दोनों तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि आपका पिस्टन क्या, मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन क्या है, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, उतारिए, इसके बाद हम आगे करते हैं, बात करेंगे किसकी, फ्री एक्सपेंशन की, फ्री एक्सपेंशन। वीडियो रोक कर आप इनको नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मैं इसलिए इस प्रॉब्लम को कराया हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आ जाए,
जरूरी नहीं कि यही प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आ गया तो आप कोई भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को बना सकते हो, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी नाउ सारे लोगों ने हेडिंग डाला फ्री एक्सपेंशन। इसके लिए जनरली बेसिक जो है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ही आते हैं जो मैं बता रहा हूं, बस उससे ज्यादा कुछ फ्री एक्सपेंशन के बारे में पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट समथिंग फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन एग्जैक्टली क्या है? एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर, जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। सो एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि आपका जो पी एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल क्या होगा, वो जीरो होगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है वो कहां पे देखने को मिल सकता है? वैक्यूम। वैक्यूम में भी क्या बोलते हैं कि जो आपका प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि वैक्यूम में जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहां से बनेंगे? सिंपल सी बात है, पी एक्सटर्नल इज जीरो, वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। तो क्या बोलोगे आप, पी एक्सटर्नल इज जीरो, सो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज जीरो। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है पर क्या है आपका फोर्स, कोई आपका प्रेशर नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कोई नहीं लग रहा है। तो क्या बोलोगे कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन इज जीरो। सो फ्लॉट की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। ओके, अब क्या है, फ्री एक्सपेंशन बहुत धीरे होता है, वेरी स्लो प्रोसेस, दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन, जो आपका फ्री एक्सपेंशन होता है बहुत ही स्लो होता है, इट मीन्स इसके स्टेट पैरामीटर्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। स्टेट पैरामीटर्स क्या होंगे, कुछ स्टेट जैसे टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, टेम्परेचर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हो। तो इसके स्टेट पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट होंगे, इसका क्या मतलब है, प्रोसेस काफी धीरे हो रहा है, इसका स्टेट पैरामीटर्स चेंज नहीं कर रहा है। तो जैसे आपका वॉल्यूम चेंज कर रहा है ना, एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम चेंज ही करेगा, बट इसका क्या है कि स्टेट पर जैसे टेम्परेचर इसका क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है, जब स्टेट पैरामीटर्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो स्टेट फंक्शंस यानी कि डेल्टा यू क्या होंगे, चेंज है, एनसीबी डेल्टा टी, डेल्टा टी चेंज नहीं कर रहा, डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो। सो आपका जो प्रोसेस है, आपका एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होती है, एंथैल्पी चेंज जीरो होता है। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, सो क्या होगा, क्यू जीरो। तो आप बोल सकते हो कि इन फ्री एक्सपेंशन, इन फ्री एक्सपेंशन एवरीथिंग इज जीरो, एवरीथिंग का मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल्स तो होंगे ही गैस के, समझ रहे ना, दिमाग में आ गया ना कैसी मैं बोलना चाह रहा हूं। आपका इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा, एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, एनर्जी ट्रांसफर जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपका ये जो बेसिक चीज है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बातें कर रहे हैं। चलिए अब जो है हम बातें करेंगे किसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। हमने देखा भी था कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखा भी था पीवी ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और साथ ही साथ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफिकल कन्वर्शन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्शन, मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि आपको पीवी ग्राफ की ही बात करें, मेरा मन करे पीटी ग्राफ की, तो मेरा मन करे वीटी ग्राफ की। तो अगर पीवी ग्राफ गिवन है उसे कैसे आप वीटी ग्राफ बना पाओ,
इसकी बातें करना चाहते हैं या कैसे आप टीपी ग्राफ बना लो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ की बात हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम सारे प्रोसेस को, जितने हमारे पास प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को एक ही ग्राफ पे दिखाते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सब बोलोगे सर जी गलत बोल दिया आपने, ये वाई होता है, ये एक्स होता है। मैं कहूं मेरी 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 मर्जी, ठीक है एक्स वाई, पर गलत नहीं। आप इसको एक्स बोलो तो ये वाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स, सो आई एम पुटिंग वॉल्यूम हियर। दिस इज योर वाई एक्सिस, आई एम पुटिंग या प्रेशर हियर। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हमने कौन से प्रोसेस की बात की थी, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम एक है, वॉल्यूम के मतलब क्या है, प्रेशर के, प्रेशर वैरी कर सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, यानी कि प्रेशर के अलोंग क्या है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज योर, ठीक है स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ऑफ नहीं दिख रहा, इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइन। अब दिख रहा है, अब थोड़ा सा दिख रहा है। सो दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक, इसको आप आइसोकोरिक भी बोल सकते, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस कौन सा था, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब कि सेम प्रेशर होना चाहिए, यानी कि जो आपका कर्व होगा, जो आपका इस पार्टिकुलर आइसोबारिक प्रोसेस का जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा, पीवी पे प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज कर सकता है। तो वॉल्यूम के अलोंग, सॉरी हाँ, प्रेशर के अलोंग होना चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वॉल्यूम के। सो एक स्ट्रेट लाइन है जहां पे क्या है आपका प्रेशर हर जगह कांस्टेंट हो जा रहा है, और इसको आप बोलते हो आइसोबार, आइसोबारिक प्रोसेस बोलो, क्या दिक्कत है। फिर क्या आता है, आइसोथर्मल आता है, आइसोथर्मल आता है। तो आइसोथर्मल कैसा दिखता है, आइसोथर्मल दिखता है एक हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। This is your isothermal process. I'll write it here, isothermal. ठीक है, इसके बाद और कौन सा प्रोसेस हमारे सामने आया था, इसके बाद आया था, एक आया था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आपको समझ में आ गया कि एक ही ग्राफ पे आपको अलग अलग दिख रहा है कि कौन सा प्रोसेस कैसा है, ठीक है। इसमें अब क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस की बात भी करते हैं लोग। चलिए फिर से अब जो है तो साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे, और उसके ग्राफ्स हैं कैसे बनेंगे, फिर हम ग्राफ का कन्वर्शन करेंगे। पहले तो ग्राफ देखिए कि अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है तो कैसे उसका ग्राफ बनेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी साइक्लिक प्रोसेस ग्राफ, सो साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस मान लीजिए कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ए है, ए स्टेट, ए स्टेट ए से कहाँ गया, वो स्टेट बी चला गया, स्टेट बी से वो स्टेट सी चला गया, स्टेट सी से वापस ए में आ गया। मान लीजिए आपका क्या था, आइसोबार था, आइसोबारिक प्रोसेस था, ये क्या था आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है। ये मान लीजिए आइसोथर्मल है, और ये आपका एक्सपेंशन था, ये आपका एक्सपेंशन था, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, दो बार एक्सपेंशन हुआ, सिस्टम को वापस से अपने स्टेट में आना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे जो नहीं कि मैंने एक्सपेंशन माना, आप कंप्रेशन मान सकते हो, कंप्रेशन मान सकते हो, एक्सपेंशन मान सकते हो, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि एक बार जब एक्सपेंड हुआ तो वापस से अपने स्टेट में। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, कि वो घूम फिर के वापस से अपने पुराने स्टेट में आ जा रहा, यही है ना साइक्लिक प्रोसेस का मतलब। तो क्या है कि यहाँ पे जो उसकी वॉल्यूम की जो वैल्यू थी, इवन तो यहाँ एक्सपेंशन हुआ तो उस वॉल्यूम को पाने के लिए इसको वापस से कंप्रेस होना पड़ेगा, बढ़ा वापस से कम आना पड़ेगा, तो जाके उस वॉल्यूम वी की वैल्यू सेम आ जाएगी, है? तो साइक्लिक प्रोसेस में सेम सी वैल्यू, ठीक। अब इसका मान लीजिए ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं आपका पीवी कर्व, सो स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर पी, दिस इज योर वी और ए। जनरली अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो, पी और वी की कोई वैल्यू गिवन हो, तो आप बता सकते थे। मान लीजिए हमारे पास नहीं है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ समवेयर ए, यहाँ से कोई पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ,
प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब क्या है कि ये लाइन हमने तो अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था ना, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये तो ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है, दोनों तो स्ट्रेट लाइन ही है। इसके लिए आपको ये एक्सपेंशन हेल्प करेगा, एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो इस पॉइंट से उस डायरेक्शन में दौड़ेंगे जहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो क्या वॉल्यूम बढ़ गया, क्लियर। जैसे यहां पहुंचे, दिस इज योर पॉइंट बी, ओके, बी में क्या बोला, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब कि ये आएगा, अब ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, तो इसने एक्सपेंशन बताया। एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि आपका क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो जब टेम्परेचर, सॉरी दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन यार, दिस हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, वेरी लुक लाइक स्ट्रेट लाइन, यप ना, ओके, सो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी, अगर टी कम होगा तो पी को कम होना पड़ेगा, यानी कि पी कम होता चला जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या देखना है, फिर इसका जो अब हम पहुंच गए हैं सी पे, सी पे पहुंच गए हैं, सी से क्या है, सी के बाद है आइसोथर्मल और कंप्रेशन प्रोसेस है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और आइसोथर्मल है, पीवी में आइसोथर्मल कर्व कैसा बनता है, हाइपरबोला जैसा बनता है, तो ये कैसा बनेगा आपका, दिस इज योर, तो ये आपका हो गया है साइक्लिक प्रोसेस। आप देख रहे हो यहां पे, मान लीजिए पी ए वी ए वैल्यू थी, ये यहां से पी बी वी बी चला गया, यहां से पी सी वी सी चला गया, और घूम के फिर से इसकी वैल्यू पी ए वी ए आ गई, यानी कि आपका साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो गया, वर्क डन, क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं आप बताएंगे, डेल्टा यू जीरो होता है, जी हाँ जीरो होता है, डेल्टा एफ जीरो होता है, हाँ जीरो होता है, ठीक है, पर ये वर्क डन जीरो हुआ कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, वर्क डन कैसे पता चलेगा कि जीरो होता है, मैंने बताया था वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि इस कर्व के अंदर का एरिया, तो क्या है ये एरिया अगर जीरो हो तभी आप बोलोगे कि वर्क डन जीरो होगा, जरूरी नहीं है कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, नॉट नेसेसरी ट्रू, यहाँ पे एरिया कुछ आ रहा है, इसका मतलब कि इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ, अरे सिंपल सी बात है ना, आप यहां से चले गए कहां, मार्स पे दौड़ते दौड़ते आप मार्स पे चले गए, फिर मार्स से दौड़ते दौड़ते वापस से अपने घर पे आ गए, तो आप बोलोगे सर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मैं अपने फिर से इनिशियल स्टेट पे आ गया हूँ, तो वर्क डन आपका जीरो होगा क्या, भैया कुछ एनर्जी आपकी खर्च हुई कि नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ आपने वर्क किया है ना, तो जरूरी नहीं कि साइक्लिक प्रोसेस हो और आप पहले पुराने स्टेट पे आ जाएं तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं, क्लियर, ओके, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा, इस प्रोसेस के अंतर्गत आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है, और एरिया क्या होता है, व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, और ये क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व, कहां से वी1 से वी2, सो क्या है वी1 से वी2 के बीच का जो कर्व है उसके अंदर का एरिया। अब इस एरिया को निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो अगर आपके पास ट्रायंगल हो या कोई स्टैंडर्ड शेप गिवन होता है तो आप सिंपल एरिया निकाल लेते हो, अदरवाइज पहले तो आपको इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी, इस रेक्टेंगल की एरिया निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और उस रेक्टेंगल के एरिया में से इस एरिया को हटाना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे रेक्टेंगल में से छोटे से एरिया को हटा दो तो ये एरिया मिलेगी, एंड दिस इज योर वर्क डन, ठीक है, ये आपकी बातें हो गई, ठीक है। अब क्या है, अब हम थोड़ा सा ये करते हैं, क्या कन्वर्जन करना सीखते हैं, अभी अपने तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में ना, हम अब क्या सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, इसको सीखते हैं एक प्रॉब्लम के माध्यम से, ठीक है, कैसे है, एक प्रॉब्लम लिखेंगे, ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है, किसका, एक है ग्राफ, ये ग्राफ गिवन है आपका पी वर्सेस टी का ग्राफ है,
चलिए इसको क्या बनाए, इसी को अगर बनाने का प्रयास करें तो इसी को बनाते हैं, इसी को, इसी ग्राफ को, ये तो मैं प्रॉब्लम आपको करवा दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसी ग्राफ को जो आप ग्राफ ने, आपने जो ग्राफ बनाया है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को ये हमने पीवी पे बनाया है, अगर इसी पीवी को बोला जाए कि आप पीटी पे बनाइए, या अगर आपको बोला जाए कि टीवी पे बनाइए, तो कैसे बनाते हैं? बना सकते हैं जोड़ी थोड़ी कि नहीं सिर्फ एसी में किया जा सके, तो अगर हम पीटी पे बनाए, पीटी पे बनाए तो क्या होगा? दिस इज टी, दिस इज पी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ए से। ए क्या है? एक आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा यानी कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आने वाला है, तो मैं पुट करता हूं यहां पे एक ए। ठीक है, अब क्या है, ये ए पुट किया मैंने, अब देखिए आइसोबारिक है, अब ये मुझे पता करना है, अब ये पता करना है कि क्या होगा। यहां पे एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ था, सो हमें क्या पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, यानी एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टी को बढ़ना पड़ेगा, यानी ए से हम कहां जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ए से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ेगा, तो ए से कहां बढ़ेगा, टी की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये आ गया बी पे। ठीक है, बी प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और क्या याद आया था कि आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आइसोकोरिक देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, और क्या हुआ था, ये भी एक एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो इसमें क्या हुआ था, आपका टेम्परेचर क्या हुआ था बताइए, यहाँ पे देख लेते हैं, PV कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो क्या हुआ, P is proportional to T, P is proportional to T, या आप बोल सकते हो P is equal to KT, यानी कि अगर P और T का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन यहां से एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, कैसा स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन से पास कर रहा हो, P is equal to KT, so this has to pass through origin, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है, तो यहां से याद आया मुझे कि आइसोकोरिक प्रोसेस है और यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होगा, ऐसे में टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे में डिक्रीज होगा, तो मैं वापस आऊंगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, और ये आ गया सी पे। सी प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए पे जाना है, तो आइसोथर्मल मतलब क्या, ऐसे या ऐसे, तो क्या होगा, यहां से देखेंगे, यहां पहुंचने के लिए तो आपको इधर ही जाना है, तो आपने प्रोसेस यहां, यहां और यहां, ये प्रोसेस आपने बनाया, यानी कि आपने पी टी कर्व को आपने ऐसे बनाया। सिमिलरली आपको टीवी कर्व बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, टीवी कर्व, पहला प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस है, एक्सपेंशन है, आइसोबारिक है, एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन का क्या मतलब है, PV is equal to nRT, क्या क्या है, T और V का रिलेशन पता करना है, T और V का रिलेशन पता करना है, P कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V is proportional to T, so V is equal to KT, यहाँ पे क्या है, और या आप बोल सकते हो कि T is equal to KV, ऐसा भी बोल सकते हो, K dash V, TY axis है इसलिए, ओके, हाँ, अब क्या बोल रहा है कि आपका V expand कर रहा है, यानी V increase करेगा, तो T भी increase करेगा, तो क्या होना चाहिए, अगर कोई point मैंने यहाँ पे लिया A, A लिया, तो क्या होगा, अगर आपका V increase कर रहा है, तो T भी increase करना चाहिए, और वो origin से pass करना चाहिए, तो ये हो गया ऐसा curve, और ये पहुंच गया कहाँ पे, ये पहुंच गया आपका B, B के बाद हम आएंगे, ये बोलोगा आइसोकोरिक प्रोसेस है और एक्सपेंशन हो रहा है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये टी नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये पहुंच गए हम सी पे, और सिंपल सी बात है, सी के बाद क्या होगा, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो आपको क्या है, देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, आपको बार बार ड्रॉ करते रहिए, बार बार ड्रॉ करते रहिए, हर चीज का आप ड्रॉ करते रहो तो आपको समझ में आएगा। फिर से मैं समझा दूं कि ये जो आपका एक कर्व था, इसको आपने पीवी पे दिखाया, जो कि नॉर्मल है, जो कि जनरल है, जो कि हमेशा पूछा जाता है, उसको आपको कन्वर्ट करके आपने पीटी पे दिखाया, और उसी को आपको कन्वर्ट करके
अपने टी और वी वाले ग्राफ पे दिखाया। ठीक है, तो कन्वर्सन काफी आसान है, आप इसको सॉल्व कीजिए। एक मैं आपको बना के देता हूँ आपको क्या करना है, इसको दो चीजें मैं इसमें बताऊंगा, बाकी चीज आपको खुद से सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम लिखिए, वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, वन मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज रिवर्सिबली गॉन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर, जो कि मैं बना दूंगा। Has gone through a cyclic reversibly has gone through the cyclic process as shown in figure. Figure मैं बनाता हूँ। हर चीज मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं हर चीज बताता जा रहा हूं, तो प्लीज क्या है आपका प्रोसेस ये। So this is P, this is V, then this is going from, this is A to B, so this is A, this is B, this is C, this is the process, this sign is very important, ये बता रहा है कि ये कैसे जा रहा है, ये कैसे आ रहा है। सिंपल सी बात है, यहां से बी से सी में क्या हुआ है, आप देखोगे बी से सी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, तो बी से सी कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, तो ये सारी बातें समझनी चाहिए। सिमिलरली सी से ए में क्या हो रहा है आपका, वॉल्यूम क्या हो कम हो रहा है, तो सी से ए में क्या हो रहा है आपका, कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो आयरो का साइन काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन वैल्यूज गिवन, दिस इज पी नॉट एंड दिस इज 3P0। Similarly, this value is V naught and this value is 2 V naught. Okay, so calculate one work done by the system. Calculate work done by the system. Two, heat exchange by gas in path CA and AB. Heat exchange by gas in path CA and AB. Net heat absorbed by gas in path BC. 3. Net heat absorbed by gas in path BC. Net heat absorbed by गैस इन पार्ट बी सी। देखिए क्या है, मैंने क्या बताया था, वर्क डन बाय द सिस्टम। सो वर्क डन के लिए क्या है, W इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। कौन सा, अगर पीवी ग्राफ है तो क्या है एरिया, आप क्या कीजिए, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए, उसमें से इसके एरिया को हटा दीजिए, या सीधा आप इस रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हाफ, बेस क्या होगा 2V0 - V0 मल्टीप्लाई विथ हाइट क्या है 3P0 - P0, क्या हो जाएगा हाफ इंटू V0 into 2P0, that is equal to ये गया V0 into P0. Okay, अब क्या है, अब problem क्या है यहाँ पे, sign of the work done, अब system work कर रहा है या system पे work done हो रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान, वो होता है कि anti clock clock वो सब ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये कर अकेला होता, BC कर अगर अकेला होता तो वर्क डन कैसे निकालते, ये पूरा एरिया, और अगर CA कर्व होता तो वर्क डन क्या निकालते, ये एरिया। बताया था ना कि वर्क डन, मान लीजिए मैं आपको बना दूं, ये है आपका PV कर्व और ये है आपका BC,
सिमिलरली ये है आपका पीवी कर्व और आपका है ये है आपका सी। तो मैं बोलता अकेला इसके द्वारा वर्क डन क्या होता, आप बोलते ये पूरा एरिया, इसके द्वारा वर्क डन क्या होता, ये पूरा एरिया। तो आपको क्या चेक करना है, ये वर्क डन निकालने के बाद आपको साइन के लिए, साइन ऑफ वर्क डन के लिए क्या चेक करना है कि कौन सा वर्क डन ज्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो वर्क डन आएगा, ये एरिया जो होगा इस एरिया के कंपेयर में ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एरिया कौन सा है, ये है एक्सपेंशन का एरिया, ये है एक्सपेंशन प्रोसेस का एरिया। एंड एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू 9V0। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अगला क्या था, यानी क्या बोल सकते हो, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, अगला क्या होगा बताइए, कैलकुलेट हीट एक्सचेंज बाय गैस इन पाथ सी ए, पाथ सी ए एंड ए बी, वेयर पाथ सी ए, पाथ सी ए एंड ए बी। सो अगर आप ए बी की बात करो तो क्या हो रहा है, डेल्टा यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। एंड अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी में क्या हो रहा है बताएंगे, ए बी में सिर्फ और सिर्फ आपका डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी क्या है, जीरो है, डेल्टा वी क्या है, जीरो है। तो क्या हो सकता है, डेल्टा यू क्या होगा, क्यू के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्लियर है, एन सी वी डेल्टा टी कर सकते हैं। अब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, यानी कि क्या है एन सी वी डेल्टा टी का क्या मतलब है, ये जो क्यू होगा इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा। सो क्या बोलेंगे, क्यू डेल्टा, क्या बोलेंगे, डेल्टा यू क्या हो जाएगा बताइए, इस प्रोसेस में पाथ ए बी में जो डेल्टा यू का चेंज आएगा वो क्या होगा, टी ए माइनस टी बी माइनस टी ए हो जाएगा। सो एन सी वी टी बी माइनस टी ए, क्लियर। सो एन सी वी एन आई थिंक वन मोल गिवन है, मोनो एटॉमिक है, सो वन इंटू क्या हो जाएगा, वन इंटू क्या होगा बताइए, थ्री आर बाई टू इंटू टी बी क्या हो जाएगा बताइए, पी बी इक्वल टू एन आर टी, टी इज इक्वल टू पी बी बाई आर। सो पी बी क्या होगा, 3p नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय 1 मोल इनटू r माइनस ta, क्या हो जाएगा, p नॉट v नॉट बाय 1 इनटू r, r r r कैंसिल, सो दिस इज कमिंग टू 3 बाय 2 इनटू 3p नॉट v नॉट माइनस p नॉट v नॉट, सो 2p नॉट v नॉट कैंसिल कैंसिल, सो 3p नॉट v नॉट। सो ए बी में आपका जो हीट एक्सचेंज होगा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी जा रही है सिस्टम में, ठीक है। वही बात है ना, यहाँ पे एनर्जी गई सिस्टम में और यहाँ से क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है। सिमिलरली अगला क्या पूछा इसने कि हीट एक्सचेंज बाय गैस इन पाथ सी ए, वेयर इज प्रोसेस सी, सी ए में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो कैसे बताएंगे, सेम है, आप आराम से एन सी बी डेल्टा टी करके बता सकते हो, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर करके आराम से बता सकते हो। इसके बाद क्या है, नेट हीट अवलब, तो बाकी की चीज आप बनाओ, बाकी की चीज आप बनाओ, और आप क्या करो, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बने हैं वहाँ जैसे ही ये लेक्चर शुरू होगा उस वक्त आप टेलीग्राम में मुझे ये बताओगे, सब अपने अपने जो सॉल्यूशन है उसका थोड़ा सा फोटो खींच के मुझे भेजेंगे, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, मुझे पर्सनल मैसेज भेजिए ताकि ग्रुप पे ओवरफ्लो ना हो जाए, आप मुझे पर्सनल मैसेज में डालिए कि आपका जो अगला सब डिवीजन है 3 and 4 मैक्सिमम, 3 जो है आपका क्या है, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस इन पाथ बीसी, बीसी इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ ये आप मुझे बताओगे, और साथ ही साथ सीए में क्या हीट एक्सचेंज किया गया है ये बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे, अगला प्रश्न लिखेंगे, द गिवन फिगर शोस चेंज ऑफ स्टेट ए टू सी बाय टू पाथ ए बी सी एंड ए सी, सो द फिगर आई एम गोइंग टू शो,
दिस इज वी, दिस इज पी, सो यू हैव टू गो ए बी सी. ए बी सी वैल्यूज आर गिवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इन, दिस इज टू, दिस इज सिक्स, दिस इज फाइव, दिस इज 15. क्लियर? देन यू हैव टू प्रोसेस फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, देन फ्रॉम हियर दिस इज गोइंग टू हियर. ओके, एंड दिस इज प्रोसेस. सो ए बी सी. सो वी हैव गोइंग, गोइंग ए, गोइंग, गोइंग फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम टू डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पाथ. वन इज लाइक दिस, वन इज लाइक दिस. ओके, पाथ ए टू बी टू सी एंड ए टू सी. कैलकुलेट, कैलकुलेट पाथ अलोंग विच वर्क डन इज लीस्ट. कैलकुलेट पाथ अलोंग विच वर्क डन इज लीस्ट. सो ऐसे प्रोसेस के लिए कितना कैलकुलेशन करना चलेगा? आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. ये देख लीजिए एरिया. इस पाथ के लिए अगर ये अकेला होता, ये नहीं होता, अगर ए टू सी ओनली होता तो दिस इज द एरिया. क्लियर? अगर ए टू सी नहीं होता, ए बी सी होता, तो व्हाट इज द एरिया, एरिया अंडर द कर्व, दिस इज द होल एरिया. सो कौन सा एरिया ज्यादा है? ए बी सी का एरिया ज्यादा है. सो ए बी सी जो पाथ है उसके अलोंग अगर ट्रेवल करोगे तो आप सिस्टम जो है ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा. ठीक है, ओके. चलिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही लिया है. अब जो है आज के लेक्चर को वैसे मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं. अब आगे जो है हम अगले लेक्चर में इन टॉपिक की बात करेंगे और वहां से जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू होगा. तो जो भी ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कीजिए. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो कन्वर्जन में या ग्राफ ड्रॉ करने में, ग्राफ ड्रॉ करने में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए. बड़ा मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि आपने कई बार ड्रॉ किया है तो ग्राफ ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत होनी चाहिए. हाँ, कन्वर्जन में दिक्कत हो सकती है तो आप पूछिए, उस पर बातें की जाएगी. उस पर डाउट्स मैं आपसे जो जूम में क्लास लेता हूँ उसमें आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए. फिर मिलते हैं आपके अगले लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.